Namaste viewers, welcome to my channel. Yummy! आपने सुना ना बच्चे क्या बोल रहे हैं, सचमुच बहुत ही यमी शेक बनी है। गर्मी का मौसम है तो चलिए कुछ ठंडा बनाते हैं। आज मैं बनाने जा रही हूँ पाइनएप्पल मिल्क शेक। ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी भी है, बच्चों को ये बहुत पसंद है। पाइनएप्पल शेक के लिए यहाँ पे मैंने हाफ पाइनएप्पल ली है। अभी हम एक चाकू लेंगे, इसकी मदद से हम इसके छिलका उतार देंगे और इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। आप देख सकते हैं मैं किस तरह से कट कर रही हूँ। इसे बनाना बहुत आसान है। सभी इंग्रेडिएंट्स को मिक्सी जार में डाल दीजिए और इसे पीस लीजिए। बस हो गया पाइनएप्पल शेक। पाइनएप्पल्स को मैंने काट के रख लिया है। चलिए इसकी शेक बनाते हैं। अभी लेंगे एक मिक्सी जार, इसमें पाइनएप्पल्स को डाल देंगे, चीनी 1 कप डाल देंगे, दूध 1 कप के करीब डाल देंगे और आइस क्यूब्स थोड़ा सा डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्सी में पीस लेंगे। अभी हम लेंगे एक बर्तन, इसके ऊपर छलनी रख देंगे और पाइनएप्पल मिक्सर को डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से स्ट्रेन कर लेंगे। इस स्टेज पे आप शेक को पी सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा रिचनेस बढ़ाने के लिए मैंने यहाँ पे आइसक्रीम का यूज़ किया है। फिर से इस मिक्सचर को मिक्सी में डाल दीजिए और इसमें वनीला आइसक्रीम डाल दीजिए। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच वनीला आइसक्रीम ली है और 1 चम्मच केसर पिस्ता आइसक्रीम ली है। आप किसी भी फ्लेवर की आइसक्रीम यूज कर सकते हैं और इसमें बर्फ के टुकड़ा थोड़ा सा डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से फिर से ब्लेंड कर लेंगे। अभी हम इसमें 2 से 3 ड्रॉप्स पाइनएप्पल एसेंस डाल देंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, नहीं तो स्किप कर लीजिए। अभी शेक बनकर पूरी तरह से तैयार है। इसे हम एक सर्विंग ग्लास में डाल देंगे और ऊपर से 1 स्कूप आइसक्रीम को डाल देंगे। इस यम्मी सा शेक के लिए एक लाइक तो बनता है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए और कमेंट्स में बताइए कि रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।